बहुत सा समस्याएं था, जितना फरियादी समस्या लेकर सबको सुने, निदान की और जहां लिखना था संबंधित जांच के लिए लिख दिया गया। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। अभी हम मौजूद हैं आरजेडी दफ्तर में। यहां पर लंबे समय से जो है जनता का दरबार चल रहा था। सभी जो मंत्री पहुंचे हैं, रामानंद यादव और सुरेंद्र राम, लोगों की फरियाद सुन रहे थे, जिसके बाद मंत्री जो रामानंद यादव हैं वो बाहर निकले आरजेडी कार्यालय से। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में लालू प्रसाद यादव को लेकर बयान दिया और साथ ही साथ कौन से लोग आए थे और क्या फरियाद लेकर आए थे, इन तमाम बातों को रामानंद यादव ने किस तरीके से रखा है, सुनिए इस बयान। बहुत सा समस्याएं था, जितना फरियादी समस्या लेकर सबको सुने, निदान की और जहां लिखना था संबंधित जांच के लिए लिख दिया गया। सर, 10 तारीख से खनन जो है वो बंद हो रहा है, क्या व्यवस्थाएं की जा रही है? खनन बंद नहीं हो रहा है। खनन में जिनका मान लिया 100 फीट बालू काटना है हुआ और वो 150 काट लिया ज्यादा या उतना कट गया, वैसे व्यक्ति को ठेकेदार को बंद कर दिया गया है और बाकी चालू है। तेजस्वी यादव से बात की है, क्या कहिएगा? उनका बहुत बढ़िया हो गया, ट्रांसप्लांट हो गया, सब सुरक्षित हैं, बढ़िया भी रहेंगे, 10 घंटा या 12 घंटा भी रहेंगे ICU में। रोजा रखे हुए सब लोग, पूजा पाठ किए, सब लोग का दुआएं उनके साथ लगा, वो ठीक है। आपकी पार्टी के विधायक निजी बिल ला रहे हैं, कृषि मंत्री वो अलग है, तो वो अपना उनसे बात कर लीजिएगा, हम जिसमें काम में आए हैं वो संबंध में आप बात कर सकते हैं। बीजेपी कुटनी विधानसभा देखिए, वो सर प्रवक्ता बात करेंगे, पार्टी पर हम लोग के पार्टी हेड का निर्देश है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी निर्देश है कि माननीय उप मुख्यमंत्री से पूछ कर के ही प्रवक्ता भी लोग बोलेंगे और हम आए हैं उस संबंध में बात कीजिए। अच्छा, कौन कौन से समस्याएं आया सर? बहुत सारे समस्याएं था, विकास था, थाना पुलिस का बहुत समस्याएं था, सबको निदान करने के लिए कार्रवाई किया गया। निदान होगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में गए थे? देखिए वो बात अलग बात है, वहाँ गए तो गए, लेकिन यहाँ आए हैं उनका निदान होगा। भागलपुर में एक घटना कल सामने आई है, वो प्रवक्ता से पूछ लीजिएगा, अभी जो संबंध में हम आए हैं जनता दरबार में उससे पूछिए, भागलपुर वाला वो प्रवक्ता बता देंगे हमारे, उनको है, हमारे पार्टी द्वारा है कि जो प्रवक्ता रहेंगे उस संबंध में बोलेंगे, अभी जिसमें आए हैं उस संबंध में पूछिएगा, बताएंगे।